गहवर वन बरसाना में स्थित है। यह जगह श्री किशोरी राधा को बहुत प्रिय है। इस जगह को नृत्य विहार रस से भी जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ है कि राधा कृष्ण हमेशा नृत्य विहार यहाँ एक साथ रहते हैं और यहाँ अलगाव का कोई क्षण नहीं है। यह वन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ब्रिज में एकमात्र वन है जिसे श्री राधा रानी ने अपने हाथों से सजाया और बनाया है। यह ठाकुर जी और श्री राधा रानी के मधुर लीलाओं में से एकमात्र स्थान है और जहाँ श्री राधा रानी श्री ठाकुर जी के साथ सब कुछ भूल जाती थी। ब्रिज और वृंदावन भगवान का घर है। यहाँ हर दूसरे पल नई लीला होती है। जब आप इन्हें देखते हैं तो श्री राधा रानी किशोरी और नई दिखती हैं। जब आप श्री कृष्ण को देखते हैं तो किशोर नई दिखते हैं। प्रिया और प्रियतम हमेशा एक साथ रहते हैं और जब भी वे मिलते हैं तो एक ऐसा लगता है कि वह पहली बार मिल रहे हैं। यहाँ वल्लभाचार्य की बैठक भी स्थित है, जहाँ उन्होंने 108 बार श्रीमद् भागवत महापुराण का यज्ञ किया है। श्रीहित हरिवंश महाप्रभु ने इसे दिव्य केली कुंज के रूप में अनुभव किया था, जहाँ प्रिया और प्रीतम हमेशा विहार लीला में रहते हैं। राधा कृष्ण गहवर वन में भी रसखान को दिखाई दिए, जहाँ श्री कृष्ण श्री राधा रानी के चरणों को धीरे धीरे दबा रहे थे और उनकी सेवा कर रहे थे। यहाँ बहुत पुरानी रासलीला स्थली है। प्रिया जी अपने सखियों के साथ आज भी यहाँ विहार में व्यस्त हैं। भाग्यशाली भक्तों ने गहवर वन में ये अनुभव भी किया। नागरी दास किशोरी अली, स्वामी परिमल दास, कुछ रसिक संत जो यहाँ रहते हैं। स्थान गहवर वन बरसाना धाम में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में मथुरा से 43 किलोमीटर दूर है। राधे राधे।